ये लीजिए, आप देख सकते हैं तंदूरी चिकन बिना तंदूर और बिना ओवन का, बिल्कुल स्मोकी फ्लेवर के साथ में। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका शेफ तामांग कुकिंग शो में। मैं हूँ शेफ तामांग। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ बिना ओवन और बिना तंदूर का तंदूरी चिकन कैसे बनाते हैं। मैं आज आपको बना के दिखाऊंगा क्या बनता है। बिल्कुल बनता है, तो बिना स्किप करते हुए देखिएगा। जो आप होटल रेस्टोरेंट पे खाते हैं वैसे ही टेस्ट होगा और स्मोकी फ्लेवर भी होगा। तो बनी रहिए मेरे साथ में, चलिए सीधा आज बनाते हैं तंदूरी चिकन बिना ओवन और बिना तंदूर का। तो सबसे पहले आज हम हाफ पोर्शन चिकन बना रहे हैं, तो चिकन काटेंगे इसको। चिकन कैसे काटते हैं वो ध्यान से देख लीजिएगा जब मैं काट रहा हूं तो। हाँ, एक बात और है, अगर आपको गार्लिक जिंजर पेस्ट, इसमें हम गार्लिक जिंजर पेस्ट यूज करेंगे। गार्लिक जिंजर पेस्ट का, गार्लिक का कितना क्वांटिटी देना है, जिंजर का कितना क्वांटिटी देना है, अगर आपको पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ। जब आप गार्लिक जिंजर पेस्ट करेंगे तो आप जिंजर का जो क्वांटिटी है 70% रखना है, गार्लिक का जो क्वांटिटी है 30% रखना है, तो पेस्ट कर देना आप। ठीक है, चलिए काटते हैं चिकन। चलिए चिकन काटते हैं। चिकन को आप इस तरीके से चीरा मार देना, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, और यहाँ पे आप एक दो ऐसे कट दीजिएगा। इसको भी आप यहाँ पे एक काट दीजिएगा, यहाँ पे एक और यहाँ पे एक, इस तरीके से तीन चीरा मार देना आप। चलिए आप करते हैं फर्स्ट मैरिनेशन। देखिए आप तंदूरी चिकन के, इतना सा लेमन बहुत है, तो आप इतना अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून बहुत काफी है। ये लीजिए, हो गया है ये फर्स्ट मैरिनेशन, इसको बोलते हैं फर्स्ट मैरिनेशन। अच्छी तरीके से आप गार्लिक जिंजर पेस्ट, जो नमक हमने डाला है और नींबू भी डाला है, उसको अच्छी तरीके से लगा के इसको आप फ्रिज में रखना है। कितना, आधे घंटे तक, आधे घंटे तक फ्रिज में रख दीजिएगा। फिर हम जाएंगे दूसरा, सेकेंड मैरिनेशन में। आप तंदूरी चिकन बनाने के लिए हैंग कर्ड चाहिए आपको। ये आधा आधा कप आप हैंग कर्ड डाल देना, आधा कप लगेगा। देख लीजिएगा मैं कितना डाल रहा हूँ, इतना लगेगा आपको हाफ तंदूरी चिकन के लिए। ये देंगी मिर्च डाल दीजिएगा आधा चम्मच, धनिया पाउडर आधा चम्मच, थोड़ी सी ब्लैक पेपर, थोड़ी सी गरम मसाला, एक चम्मच आप भुना हुआ बेसन डाल दीजिएगा, क्योंकि उससे आपका चिकन जो मैरिनेशन है वो पकड़ के रखेगा। आपको इलायची पाउडर ऐड कर देना है, मस्टर्ड ऑयल डालना है यहाँ पर, नमक। ये लीजिए आपका सेकेंड मैरिनेशन भी रेडी है। जैसे जैसे मैंने डाल दिया वैसे वैसे आप भी डाल दीजिएगा। अब इसको हम चिकन डालेंगे इसमें, और चिकन डालने के बाद में कम से कम 1 घंटा आप फ्रिज में रख देना, तभी आपका टेस्ट अंदर तक जाएगा, तो खुलेगा नहीं। 1 घंटा फ्रिज में रखना है आपको इसको मैरिनेशन कर डालने के बाद में, तब हम फिर बनाएंगे तंदूरी चिकन। ज्यादा ही लाल कलर लाना है तो आप फूड कलर यूज कर सकते हैं, ऑरेंज रेड कलर। अगर आपको कलर नहीं लाना है, ऐसे ही खाना है तो इसी तरह से खा दी। मैं कलर नहीं मिला रहा हूँ, जितना देंगी मिर्च का कलर आएगा, मीन्स कश्मीरी चिली का जितना कलर आएगा वो काफी होता है, अच्छा कलर आता है कश्मीरी चिली से भी। देखिए अच्छी तरह से फीट दीजिएगा। अब इसको क्या करना है आपको, जो हमने चिकन रखा था उसको, चिकन को यहाँ पे डालना है दोनों के दोनों, और अच्छी तरह से मिला के फ्रिज में रखना है। चलिए सेकेंड मैरिनेशन भी हो गया है, अब इसको रखते हैं 1 घंटा फ्रिज में, फिर बनाएंगे तंदूरी चिकन। चलिए थोड़ी सी सलाद बना लेते हैं, जो तंदूरी चिकन के साथ में जो साइड में सलाद देते हैं वो। ऐसे आप गोल गोल ऑनियन रिंग निकाल लीजिएगा, उसके बाद में आपको यहाँ पर डालना है धनिया पत्ता, थोड़ी सी नमक, कश्मीरी चिली पाउडर डाल दीजिएगा थोड़ा, थोड़ी सी लेमन जूस और थोड़ी सी चाट मसाला। ये लीजिए आपका सलाद भी रेडी है। हमने 1 घंटा फ्रिज में रख दिए है, अब इसको क्या करना है आपको, इसको निकालना है कवर। देखिए इस तरीके से ऑयल बाहर निकालना चाहिए, तो आपका तंदूरी चिकन रेडी है। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे थोड़ी सी ऑयल डालना है, ज्यादा ऑयल मत डालिएगा, चारों तरफ अच्छी तरीके से लगा दीजिएगा ऑयल को। चारों तरफ लगाने के बाद में आपको जो हमने चिकन रखा था उसको क्या करना है, यहाँ पे ऐसे करके रखना है दोनों दोनों,
चिकन डालने के बाद में आप ढक्कन से ढक देना, क्योंकि जैसे आप ढक्कन से ढक देंगे तो क्या है जो स्टीम है तो दोनों तरफ पकेगा, अंदर तक पकेगा, तो इसी तरह से आप ढक देना। आप ध्यान देने वाली बात क्या है यहाँ पर, देखिए मैंने एकदम कम आंच करके रखा हुआ, कम फायर में पकाइएगा, जब तक पक ना जाए दोनों तरफ आप अच्छी तरह से पकाना है, पक जाएगा क्योंकि हमने ढका है तो स्टीम हो जाएगा, अंदर तक अच्छी तरह से पकेगा, ये मेरा गारंटी है। अब स्मोकी फ्लेवर कैसे लाना है नेक्स्ट स्टेप में बताऊंगा, अभी तो बाकी है तो बनी रहिए मेरे साथ में। ये देखिए दोस्तों, जैसे जैसे आप पकाते जाएंगे ना वैसे वैसे पकता जाएगा, देखिए वो ग्रेवी भी सूख गया और दोनों तरफ अच्छी तरह से पक गया। ये देखिए इसी तरीके से आप पकाना है। अब लाएंगे स्मोकी फ्लेवर। देखिए स्मोकी फ्लेवर लाने के लिए चिकन तो हमने पका दिया, अब स्मोकी फ्लेवर लाने के लिए ऐसे एक जारी ले लीजिएगा आप, उसके बाद आपको दोनों के दोनों यहाँ पर ऐसे डालना है, दोनों के दोनों जितने भी आप बना रहे हैं, आप इसको धीमी आंच में स्मोकी लाना है। ये देखिए हो गया ना बिल्कुल तंदूरी चिकन के जैसा। देखिए इसी तरफ से आप दोनों तरफ पका देना। ये लीजिए आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल पक गया है, हमने जो ढक दिया था स्टीम भी हो गया अंदर से, दोनों बिल्कुल पक गया है एकदम स्मोकी, बहुत ही मजेदार होगा आप ऐसे बनाना। अगर आप चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर देना, आगे भी ऐसे ही वीडियो आते रहेगा। तो मिलते हैं अगले बार इसको गार्निशिंग करने की तंदूरी चिकन। देख लीजिए तंदूरी चिकन।